बढ़ते हैं आगे। दिल्ली और गुड़गांव में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ की लागत से 3 प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। हाईवे सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक में इफको चौक, सिग्नेचर टावर और राजीव चौक पर अंडरपास, ग्रिड और ओवरपास बनाने को मंजूरी दी गई। 3 प्रोजेक्ट 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। हाईवे प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए सरकार ने पिछले साल हाईवे मंत्रालय को 1000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का अधिकार दिया था। और अब ग्राहकों को ताकत देने, धोखे से बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब पैकेज फूड खरीदने पर आपको उस आइटम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलेगी। इससे आपके लिए फैसला करना आसान होगा कि उस फूड आइटम को आपको खरीदना है या नहीं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैकेज फूड खरीदते वक्त शायद ही उससे जुड़ी जरूरी जानकारी पैकेट पर पढ़ते होंगे। इसकी एक वजह ये भी है कि ये जानकारी बहुत छोटे अक्षरों में छपी होती है, जिसे पढ़ पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा कई जानकारियां तो दी ही नहीं जाती। लेकिन अब कंपनियों की मनमानी पर रोक लगने जा रही है। सरकार ने मौजूदा नियमों में बदलाव करते हुए पैकेज्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए फूड पैकेट पर 6 जानकारियां देना जरूरी कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मुताबिक कंपनियों को अब फूड पैकेट पर मैन्युफैक्चरर, पैकेजर, इम्पोर्टर का नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, नेट क्वांटिटी, रिटेल सेल प्राइस, कंज्यूमर केयर कॉन्टैक्ट देना जरूरी होगा। ये जानकारी फूड पैकेट के बीच के 40% हिस्से पर देनी होगी। ये सभी जानकारियाँ बड़े फॉन्ट साइज में देनी होगी ताकि आसानी से पढ़ी जा सके। सरकार इस नियम को लागू करने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी बनाएगी जो नियमों को लागू करने पर नजर रखेंगी। इसके अलावा ग्राहकों की शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा शिकायतों के निपटारे के लिए मौजूदा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को और दुरुस्त किया जाएगा। एक सीनियर अधिकारी रोजाना शिकायतों के निपटारे पर भी नजर रखेगा। नया नियम जुलाई के महीने में लागू हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने उम्मीद जताई है कि ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए बजट सत्र के दूसरे चरण में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।